प्रदेश सहित जिले के सभी सोसाइटियों में सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। 18 अगस्त से जिले की सभी 128 सहकारी समितियों को बंद कर कर्मचारी टैगोर पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सोसाइटियों के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाले राशन, किसानों को ऋण, खाद, बीज वितरण और शासन का समितियों को कंप्यूटराइज करने का पूरा काम ठप पड़ गया है। कर्मचारी लखन चौधरी ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में शासकीय कर्मचारी का दर्जा, वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं, केडर भर्ती में 60% प्रमोशन, शासकीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने जैसी मांगे शामिल है। सोमवार को धरनारत कर्मचारियों ने सहकारिता विभाग डिप्टी कमिश्नर अमरीश वैद को टैगोर पार्क धरना स्थल पर ज्ञापन सौंपा। श्री वैद ने बताया, उक्त कर्मचारी जमीनी स्तर पर शासन की हितग्राही योजनाओं का लाभ पहुँचाते हैं, इनके मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो एक बहुत बड़े समूह और बहुमत के साथ उपस्थित है, ये सहकारिता के हमारे मैदानी कर्मचारी हैं। ये किसी भी किसान की पूरी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, खाद बीज से लेकर उपभोक्ताओं की सामग्री तक, उसका ये लोग काम करते हैं। एक राज्य शासन की बहुत बड़ी नीति को क्रियान्वित करते हैं। इन्होंने आज जो ज्ञापन दिया है वो इनकी सेवा शर्तों को लेकर है, और प्रदेश में अन्य जिलों की तुलना करते हुए तुलनात्मक रूप से कुछ उन बातों की ओर ध्यान इन्होंने आकर्षित किया है कि वे जिन जिन सुविधाओं से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके इस ज्ञापन में जो जिला स्तर से हल होने वाली बातें हैं, उनके विषय में मेरा इनसे स्पष्ट। हम खरगोन जिले के 1500 कर्मचारी और प्रदेश भर के 4500 सोसाइटियों के 55,000 कर्मचारी प्रदेश भर में हम हड़ताल पर हैं, और हमारी 16 अगस्त से लगातार हड़ताल चल रही है, और उसी क्रम में हम टैगोर पार्क में धरने पर बैठे हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें केडर भर्ती में 60% जो आरक्षण सोसाइटी कर्मचारियों का, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सोसाइटी कर्मचारियों को एक मिल मजदूर की से भी कम सुविधाएं दी जाती है। सोसाइटी कर्मचारियों को हम मांग करते हैं कि भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की सुविधा का लाभ दिया जाए। साथ ही सोसाइटी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद में एक भी पैसा नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि सोसाइटी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उसी ग्रेच्युटी राशि से उसको, उसके परिवार के लिए, उसके भविष्य के लिए राशि मिले। साथ ही हम मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि सोसाइटी कर्मचारी को जब जब भी मध्य प्रदेश सरकार डीए बढ़ाए, महंगाई भत्ता बढ़ाए अपने कर्मचारियों के लिए, सोसाइटी कर्मचारियों के लिए उसे भी, सोसाइटी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाए। क्योंकि जब हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो सरकारी कर्मचारी को भी उसी भाव में मिलता है, सोसाइटी कर्मचारी को भी उसी भाव में मिलता है। समानता का सिद्धांत लागू किया जाए। साथ आपसे मिले क्या आश्वासन? हमने जिले के डिप्टी कमिश्नर महोदय से निवेदन किया था, वे बहुत ही सहज और सरल अधिकारी हैं। वे हमारे धरना स्थल पर स्वयं आए और हमारी उन्होंने समस्याओं को, मांगों को सुना, और अधिकांश समस्याएं जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश और महंगाई भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति जैसे अनेक जो मामले हैं उनको जिले स्तर पर, उनके ही स्तर पर उन्होंने हल करने का आज भरोसा दिया है। और जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग और हम कर्मचारी साथियों की एक टीम बनाकर उसकी त्रैमासिक बैठक लेंगे और हमारी सभी समस्याओं को समाधान का उन्होंने आज वादा किया हमसे। क्या नाम है आपका? लखन चौधरी, जिलाध्यक्ष, संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, जिला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।